जब से मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर जंग शुरू हुई है, तब से भारत और मालदीव के रिश्तों में आई खटास जा नहीं रही और उस खटास की वजह मालदीव की अकड़ है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के बेरुखे तेवर हैं, क्योंकि वो हर तरह से चोट खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहे। यही वजह है कि भारत ने मालदीव को सबक सिखाने के लिए उसे एक और बड़ा झटका दिया है। हाल ही में पेश हुए देश के अंतरिम बजट में मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक मदद को 22% घटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भारत अगले वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मालदीव को देने जा रहा है, जो पहले के मुकाबले 170 करोड़ रुपए कम है। वहीं जैसे ही इसकी भनक भारत के पड़ोसी मुल्क को हुई, तो पाकिस्तान मालदीव की मदद के लिए आगे आ गया और भारत से झटका मिलते ही मालदीव के राष्ट्रपति भी पाकिस्तान के शरण में पहुंच गए, जिसके बाद पाकिस्तान ने मालदीव को आश्वासन दिया कि वो उसके विकास की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। बताया जा रहा है कि गुरुवार को भारत संग चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत में काकर ने मुइज़ू को मदद का भरोसा दिया है, लेकिन सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान मालदीव की मदद करेगा तो करेगा कैसे, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का तो खुद ही बुरा हाल है। वहां के बाशिंदे दाने दाने को मोहताज रहते हैं, आए दिन जिस मुल्क में खाने के लाले पड़े रहते हैं, आटे की बोरी के लिए लूट मच जाती है, उस पाकिस्तान ने मालदीव की मदद के लिए हाथ आगे किए हैं।